नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं, पे नियर बाय के माध्यम से एक्सिस बैंक का CSP मिल रहा है, यानी कि एक्सिस बैंक का सर्विसेज मिल रहा है, जिसके माध्यम से आप एक्सिस बैंक का सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ओपनिंग कर पाएंगे। इसी प्रकार से स्पेस मनी के माध्यम से भी एक्सिस बैंक का सिस्टम मिल रहा है, जिसके माध्यम से भी आप अकाउंट ओपनिंग कर पाएंगे आधार फिंगर KYC डाल के। तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे किस प्रकार से अकाउंट ओपनिंग किया जाता है, और बहुत ही जल्दी आपको दूसरे वीडियो में ये जानकारी कर देंगे कि किस प्रकार से स्पेस मनी के माध्यम से एक्सिस बैंक सर्विसेज को ऐड किया जाता है और क्या क्या सर्विसेज मिलता है, कितना रुपया खर्चा लगता है, क्या सभी को मिलेगा। सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम आपको डायरेक्टली अकाउंट ओपनिंग करके दिखाता है, आपको लेकर चलते हैं हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे। उससे पहले चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब एंड लाइक बटन को प्रेस जरूर करें, आप लोगों को ऐसे लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्पेस मनी को लॉगिन कर लिया है और ओपन कर लिया है। आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। एंड यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही आपका सर्विसेज एक्टिव हो जाता है तो आपके सामने एक्सिस बैंक का एक डैशबोर्ड शो हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन सेविंग अकाउंट, ओपन करंट अकाउंट एंड व्यू स्टेटस। यहाँ पे आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं बहुत ही आसानी में। तो यहाँ पे जैसे हम ओपन सेविंग अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे आपको सारे टर्म एंड कंडीशन लिख दिया गया है और क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, क्या क्या करना होगा, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है नीचे ओपन ए बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे भी आपको नीचे दिख रहा है ओपन ए बैंक अकाउंट एंड बेसिस रिक्वेस्ट, सब कुछ डिटेल्स में लिखा हुआ है क्या क्या लगेगा, इजी प्रोसेस है। यहाँ पे ओपन ए बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। एंड दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको मोबाइल नंबर डालना होता है, यानी कि जिसके नाम से आप अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हैं उन्हीं का मोबाइल नंबर डालना होगा। ये जरूरी नहीं है कि आपके आधार कार्ड में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो मोबाइल नंबर, कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं अकाउंट नंबर में ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दोनों जगह पे एक्सेप्ट करना है एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एंड आपको हम पहले ही जानकारी कर देते हैं, आप जैसे ही अकाउंट ओपनिंग करना चाहेंगे आपको सबसे पहले अपने बैलेंस वॉलेट में, यानी कि स्पेस मनी वॉलेट में 500 रुपया विदड्रॉ करके रखना होगा, यानी कि वॉलेट में रखना होगा। अकाउंट ओपनिंग टाइम पे 500 रुपया आपके अकाउंट से कटेगा और कस्टमर के अकाउंट में आ जाएगा। एंड यहाँ पे देखेंगे सेविंग अकाउंट फ्रॉम, यहाँ पे अकाउंट फ्रॉम यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले इनकम डिटेल्स आपको फिल करना होता है एंड आधार डिटेल्स, लाइव फोटो देना होता है, पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस एंड अकाउंट फंडिंग आप यहाँ पे लास्ट में करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनकम डिटेल्स आपको फिल करके दिखाते हैं। जैसे हम इनकम डिटेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं, फिल वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे इनकम डिटेल्स आपको फिल करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इनकम सिलेक्ट कर लिया है और कॉन्फर्म एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक OTP आएगा, जो OTP यहाँ पे फिल करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। आपका इनकम डिटेल्स कंप्लीट हो जाएगा। आधार डिटेल्स में आपको फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा एंड कस्टमर आधार नंबर यहाँ पे डालना होगा। आपका जो भी डिवाइस है यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट कर लेना है एंड स्कैनिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कस्टमर का फिंगर KYC ले लेना होगा। एंड यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे कॉन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा कस्टमर का डिटेल्स देखने के बाद। एंड यहाँ पे देखेंगे आधार लिंकिंग हो चुका है एंड आधार सीडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि अगर आप बैंक खाते को, जो अभी अकाउंट ओपनिंग होगा वो बैंक खाते को आप आधार सीडिंग करना चाहते हैं, DBT लिंक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको एला वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार आएगा आधार सीडिंग स्टेटस। एंड दोस्तों, यहाँ पे नीचे आपको एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कॉन्फर्म एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आपका पूरा डिटेल्स फिल हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देखेंगे फ्रॉम 60 ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। फ्रॉम 60 में आपको अपना पैन डिटेल्स फिल करने के बाद पूरा सबमिट कर लेना है वहाँ पे। एंड यहाँ पे आप देखेंगे लाइव फोटो वाला ऑप्शन पे आपको कस्टमर का फोटो एक लेना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे कैमरा ओपन हो जाएगा, आपको कस्टमर का एक अच्छे से फोटो लेना पड़ेगा, आंखें को बंद करके ओपन करना पड़ेगा, फोटो कैप्चर ऑटोमेटिक ले लेगा और सबमिट हो जाएगा। एंड यहाँ पे KYC सबमिट कंप्लीट हो जाएगा, KYC वेरिफिकेशन भी आपको कंप्लीट कर लेना है। पर्सनल डिटेल्स में ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी डिटेल्स है यहाँ पे फिल करना है। एडुकेशन आपका जो भी है, ऑक्यूपेशन एंड नेचुरल बिजनेस आपका जो भी, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद कॉन्फर्म एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद
सबमिट करना है। नॉमिनी डिटेल्स आपको फिल करना है। जैसे ही आप यहाँ पे फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा। एड्रेस डिटेल्स में देखेंगे तो आपको अपना एड्रेस डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपना कौन सा बैंक ब्रांच से लिंक कराना चाहते हैं बैंक खाते को, वहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि सिलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ पे कॉन्फर्म एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पूछा जाता है तो यहाँ पे आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कॉन्फर्म कर लेना है। आपका बैंक डिटेल्स कंप्लीट होते ही आपको वहाँ पे सबमिट कर देना है। एंड यहाँ पे अकाउंट फंडिंग पूछा जाता है तो अकाउंट फंडिंग के ऊपर यहाँ पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे तो इनिशियल अकाउंट फाउंडिंग 500 रुपया एंड यहाँ पे कॉन्फर्म एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और आपके वॉलेट में से पैसा डेबिट हो जाएगा, यानी कि कस्टमर के अकाउंट में आ जाएगा। फिर से दोबारा से आपको यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद कस्टमर का फिंगर केवाईसी लेना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया है। एंड पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे 500 रुपया हमें पे करना होता है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है, कस्टमर डिटेल्स सबमिट हो चुका है, कस्टमर डिटेल्स वेरिफिकेशन भी यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रहा है। एंड यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग कंप्लीट हो जाएगा और आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर देख सकते हैं, अकाउंट टाइप, अकाउंट पेड, ब्रांच नेम, ब्रांच आईएफएससी कोड सब कुछ शो हो जाएगा। आप यहां पे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और कस्टमर को दे सकते हैं, अदरवाइज इसी को ही प्रिंट करके आप कस्टमर को दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप बहुत ही आसानी में स्पेस मनी के माध्यम से अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इसको लेने के लिए, इसको एक्टिव करने के लिए क्या चार्ज लगेगा या फिर आपको फ्री में मिलेगा, साथ में इसमें किस प्रकार एक्टिव करना है सारे डिटेल्स में बताएंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। बाकी आपको और कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल नहीं है सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करें एंड लाइक जरूर करें।